नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ट्रिप्स इन डिटेल पर। तमिलनाडु भारत का एक अमेजिंग टूरिज्म स्टेट है जो अपनी ब्यूटी ऑफ नेचर के लिए देश विदेश में जाना जाता है। यहाँ कई फेमस हिल स्टेशन हैं जो घूमने के लिए बेहद खूबसूरत है। प्राकृतिक सुंदरता के शौकीन टूरिस्ट के लिए तमिलनाडु के हिल स्टेशन सबसे परफेक्ट ऑप्शन है। ऊटी की खूबसूरत टी गार्डन्स और झीलों से लेकर कोडई कनाल और यरकौड की ट्रेकिंग तमिलनाडु में हर तरह के लोगों के लिए कुछ न कुछ है। चाहे आप अपने दोस्तों, परिवार या फिर अपने पार्टनर के साथ तमिलनाडु घूमने आएंगे तो यहाँ के अट्रैक्टिव हिल स्टेशन आपको कभी निराश नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको तमिलनाडु के 10 बेहद ही खूबसूरत और फेमस हिल स्टेशनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस हर हफ्ते आते रहेंगे। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है ऊटी। ऊटी हिल स्टेशन तमिलनाडु स्टेट में नीलगिरी पहाड़ियों में सिचुएटेड एक मनमोहक हिल स्टेशन है। स्पेशली जिन्हें माउंटेन्स पसंद है उनके लिए ये स्वर्ग से कम नहीं है। यही वजह है कि इसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। समुद्र तल से 2240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ऊटी कपल्स और हनीमून मनाने वालों के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट हनीमून मनाने के लिए कपल्स आते हैं। ऊटी का ब्यूटीफुल सीनरीज, टॉय ट्रेन की राइड एक शानदार अनुभव देता है। अगर आप अपने फैमिली के साथ घूमने या हनीमून मनाने के लिए तमिलनाडु में अच्छी जगहों की खोज में हैं तो आपको तमिलनाडु के फेमस हिल स्टेशनों में गिने जाने वाले ऊटी हिल स्टेशन की यात्रा जरूर करनी चाहिए। यहाँ घूमने के लिए अप्रैल से सितंबर और नवंबर के बीच सबसे अच्छा समय माना जाता है। सो हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर है कोडई कनाल। 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित कोडई कनाल साउथ इंडिया के सबसे फेमस फैमिली और हनीमून हिल स्टेशनों में से एक है। इसे हिल स्टेशनों की राजकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। कोडई कनाल पर्यटकों का मेमोरीज पैदा करने वाला जगह है जहां आप खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। इसे अक्सर तमिलनाडु का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन कहा जाता है। कोडई कनाल की मंत्रमुग्ध कर देने वाली क्लाइमेट, कोहरे से ढकी खूबसूरत माउंटेन रेंजेस, वैलीज और सुंदर झीलें किसी का भी मन मोहने के लिए सफिशियंट है। यहाँ आपको प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा और यहाँ आप अप्रैल से जून के बीच कभी भी जा सकते हैं। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर है कुन्नूर हिल स्टेशन। तमिलनाडु और भारत के सबसे सुंदर और शांत हिल स्टेशनों में से एक कुन्नूर पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में दूसरा सबसे बड़ा हिल स्टेशन है। 1930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह हिल स्टेशन नीलगिरी पहाड़ियों और कैथरीन फॉल्स के आकर्षक दृश्यों के साथ एक शानदार पर्यटन स्थल है। यहाँ अक्टूबर से मार्च के बीच का अच्छा समय माना जाता है। हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर है यरकौड हिल स्टेशन। तमिलनाडु के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक यरकौड तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित एक छोटा सा खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसे गरीब आदमी का ऊटी भी कहा जाता है। यरकौड हिल स्टेशन शेवरॉय पहाड़ियों की गोद में पूर्वी घाटों में बसा हुआ है जिसमें वाटरफॉल से लेकर झीलों, चर्चों, मंदिरों और ट्रैकिंग ट्रेल से लेकर व्यू पॉइंट तक अलग अलग स्पॉट हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा यह हिल स्टेशन अपने सनराइज और सनसेट का सबसे बेस्ट नज़ारों के लिए फेमस है। यहाँ घूमने के लिए अक्टूबर से जून तक अच्छा समय माना जाता है। हमारे लिस्ट में पांचवे नंबर पर है कोटागिरी हिल स्टेशन। तमिलनाडु राज्य में स्थित कोटागिरी तमिलनाडु के सबसे फेमस हिल स्टेशनों में से एक है। इसे दुनिया की दूसरी सबसे अच्छी क्लाइमेट वाली जगह माना जाता है। यह हिल स्टेशन एक तरीके से गर्मियों को हराने के लिए स्वर्ग समान माना जाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे तमिलनाडु का सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले हिल स्टेशनों में से एक है। यहाँ घूमने के लिए दिसंबर से मई तक का अच्छा समय माना जाता है। हमारे लिस्ट में छठे नंबर पर है कोल्ली हिल स्टेशन। तमिलनाडु में नामक्कल जिले में स्थित कोल्ली हिल स्टेशन तमिलनाडु में घूमने के लिए सबसे अच्छे हिल स्टेशनों में से एक है। कोल्ली हिल स्टेशन न केवल अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है बल्कि
और पापलेश्वर मंदिर के कारण भी इसका धार्मिक महत्व है, जो भगवान शिव को समर्पित है। कोल्ली हिल्स के पीक पर घुमावदार रास्ते के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जो इसकी यात्रा को अधिक रोमांचक बना देता है, और यहाँ दिसंबर से मई तक का अच्छा समय माना जाता है। हमारे लिस्ट में सातवें नंबर पर है येलागिरी हिल स्टेशन। तमिलनाडु के वेल्लोर में स्थित येलागिरी एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जो 30 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित येलागिरी हिल स्टेशन अपने पर्यटकों को कुछ खूबसूरत डेस्टिनेशंस जैसे कि जलगाम परई फॉल्स, गुलाब के बगीचे के खूबसूरत नज़ारों से रूबरू कराता है। मूल रूप से येलागिरी का संबंध जमींदार परिवार से था। तमिलनाडु में बहुत कम लोगों की जानकारी होने के कारण इस जगह पर बहुत कम भीड़ भाड़ रहती है, जहां आप अपनी यात्रा आरामदायक और शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा कर सकते हैं। यहां घूमने का जो अच्छा समय है वो है अक्टूबर से मार्च तक की। हमारे लिस्ट में आठवें नंबर पर है मेघमलाई हिल स्टेशन। तमिलनाडु के थेनी जिले में स्थित मेघमलाई एक खूबसूरत पहाड़ी शहर है, जिसे लोकप्रिय रूप से हाईवेविस माउंटेन भी कहा जाता है। तमिलनाडु के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से जाने माने वाला मेघमलाई हिल स्टेशन प्राकृतिक सुंदरता का भंडार है। यह अपनी ऊंची माउंटेन रेंजेस, क्लाउड एंड फॉल्स, वेली मलाई और भी बहुत कुछ के लिए जाना जाता है। सो हमारे लिस्ट में नौवें नंबर पर है कोलुकुमलाई हिल स्टेशन। कोलुकुमलाई तमिलनाडु के थेनी जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। कोलुकुमलाई दुनिया में सबसे ऊंचे टी गार्डन्स के लिए प्रसिद्ध एक गांव है, फेमस टी फैक्ट्री में से एक, जहां ट्रेडिशनल तरीके से चाय को प्रोसेस करते हैं। समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कोलुकुमलाई का प्राकृतिक सौंदर्य मनमोहक है, जो पलानी पहाड़ियों के नज़ारे के साथ ब्यूटीफुल सनराइज के नज़ारे पेश करता है। बैकग्राउंड में कोहरे माउंटेन्स के साथ ताजी चाय की सुगंध इसे यहां आने वाले टूरिस्ट के लिए एक आकर्षक दृश्य बनाती है। यदि आप एक टी लवर हैं तो आप यहां अलग अलग प्रकार के टेस्ट ले सकते हैं। हमारे लिस्ट में 10वें नंबर पर है कलवरायन हिल स्टेशन। कलवरायन तमिलनाडु के ईस्टर्न घाट में स्थित पहाड़ियों की एक रेंज है। यह हिल स्टेशन अपनी शांत जगह और प्रकृति के उपहार के लिए जाना जाता है। यह वह जगह है जहां आप मेगाम फॉल्स, गुमुखी डैम और पेरियार फॉल्स जैसे कई टूरिस्ट अट्रैक्शंस पर जाकर अपने नेचर लवर्स के साथ कुछ समय बिता सकते हैं। इसके अलावा यह हिल स्टेशन थ्रिलर एक्टिविटीज लवर्स और ट्रैकर्स के लिए भी काफ़ी परफेक्ट लोकेशन है, जहां ट्रैकिंग के साथ साथ कई थ्रिलर एक्टिविटीज के ऑप्शंस हैं। जो भी टूरिस्ट अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए तमिलनाडु के टॉप हिल स्टेशन सर्च कर रहे हैं, उनके लिए कलवरायन हिल स्टेशन भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ घूमने के लिए सितंबर से मार्च तक का अच्छा समय माना जाता है। तो ये थी तमिलनाडु की 10 बेहद खूबसूरत हिल स्टेशनों के बारे में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।